हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पे स्वागत है। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। तो चलते हैं हम अपने आज के सेशन की ओर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 18 जून 2020। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसा कि UPSC, SSC, बैंक, रेलवे और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates. So let's talk our first current affairs. और अगर आपको इस सेशन के करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। सो फर्स्ट करंट अफेयर्स वी हैव, व्हाट इज द नेम ऑफ किर्गिस्तान्स प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड अमिड ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन into whether the government illegally sold radio frequencies. So आपको किर्गिस्तान के PM का नाम बताना है जिनको हाल ही रिजाइन किया गया, क्योंकि इनके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चली थी कि इन्होंने गवर्नमेंट की जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज का जो डेटा है उसको इलीगली किसी को सोल्ड कर दिया। सो इनका नाम है मुखमदेल कलवी अबिल गाजिब। इनका नाम है। गाइस, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये इशू बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को किसी दूसरे को सोल्ड करते हो, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी को सोल्ड की है, तो जैसा ये मानो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी तो छोटी चीज़ है, अगर किसी पर्टिकुलर या दूसरे बैंडविड्थ की फ्रिक्वेंसी आप किसी पर्सन को सोल्ड करते हो सकता है वो मिलिट्री का कम्युनिकेशन हो सकता है किसी कंट्री का जो रिसर्च का जो डेटा हो या रिसर्च की जो कम्युनिकेशन हो किसी और पर्सन को सोल्ड आउट कर रहे हो। क्लियर है? हाल ही ये तो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, सो ये और भी क्रिटिकल हो सकती है अगर कोई दूसरी फ्रिक्वेंसीज का डेटा किसी और को सोल्ड किया गया हो। क्लियर है? अमिड ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू वेदर द गवर्नमेंट इलीगली सोल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी, He was appointed as Prime Minister by President Sooronbai Jeenbekov after succeeding Sapar Isakov in April 2018. So, इन्होंने बिना पूछे रेडियो फ्रिक्वेंसी किसी दूसरे पर्सन को सोल्ड कर दी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी हैव, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। What is the name of fifth state of matter? So, इसका नाम तो हर किसी को पता होना चाहिए यार, Bose-Einstein condensate। So, Bose, इसके अंदर हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, तो मैं चाहता हूँ आप इनका पूरा नाम मेरे को बताइए। यार, इन चीज़ों का एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यार Bose-Einstein बहुत ही बड़ी एक रिसर्च है जिसमें आइंस्टाइन और मिस्टर बोस ने, मैं नहीं बताऊँगा आपको, आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, जो इन दोनों ने मिल के Bose-Einstein condensate पार्टिकल के ऊपर रिसर्च की थी। थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट थ्योरी बता देता हूँ उसकी, इसको कैसे रिसर्च किया था। इसके अंदर जो हमारे पास जो लो डेंसिटी की जो गैस है उसको क्या किया था, बहुत ही हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर पे इसको कंडेंस किया था, और वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होने लगे, कंडेंसेट होने लगे और स्टेबल होने लगे। सो इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोला जाता है, Bose-Einstein condensate। सॉलिड लिक्विड गैस तो हमारे पास है ही, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड द फिफ्थ वन इज Bose-Einstein condensate। क्लियर है? थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। फर्स्ट टाइम ये स्पेस में खोजा गया है। दिस ऑब्जर्वेशन हैज ऑफर्ड अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट्स दैट कैन हेल्प इन सॉल्विंग सम ऑफ द क्वांटम यूनिवर्स मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अ टीम ऑफ नासा साइंटिस्ट ऑन जून 11 अनवील्ड द फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम Bose-Einstein कंडेंसेट, BEC भी बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वेयर पार्टिकल्स आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन फ्रॉम एनी ऑफ द अर्थली कंस्ट्रेंट्स। इस पार्टिकल की ये खासियत है, इसके ऊपर जो भी अर्थली कंस्ट्रेंट्स है वो नहीं लगते, जैसे ग्रेविटेशन है, ब्योयंसी फोर्स है, जो भी अर्थ के अंदर जो भी हमारे पास जो फोर्स के जो कंस्ट्रेंट्स है वो इसमें अप्लाई नहीं होते। और इस जो रिसर्च से हम ये भी पता लगा सकते हैं, बहुत सारी जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि स्पेस का जो ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हम एक पॉइंट से इतने बड़े स्पेस में आ गए। क्लियर है ना?
ये सब जो क्वेश्चंस है ये स्टोरी से मतलब इस स्टोरी से हम उस क्वेश्चंस के करीब पहुंच सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स एक्विजिशन बाय मैकरिच इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड इन 91 स्टेट्स मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एसेंट हेल्थ एंड एपीआई होल्डिंग लिमिटेड हु इज चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि मैकरिच इन्वेस्टमेंट का एक्विजिशन इन चीज़ों में हो सकता है। इनका नाम है स्टेट मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एसेंट हेल्थ एंड एपीआई होल्डिंग्स। तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम बताना है। क्लियर है? इनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। तो अशोक कुमार गुप्ता इज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंपनी एक्वायर करेगी किसको। जैसे मैकरिची इन्वेस्टमेंट है, किसमें एक्विजिशन करेगी? ये एक मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक एसेंट हेल्थ एंड एपीआई होल्डिंग्स। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप हर चीज़ रटो, लेकिन एक माइंडसेट होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत आपको क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच स्टेट साइंड 12 MOU with 12 domestic and foreign companies for foreign direct investment worth over 16,000 crore. So, कौन से स्टेट ने 12 MOU साइन किए हैं 12 डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के साथ FDI के लिए, और इसकी जो वर्थ है वो कितनी है? 16,000 crore। सो ये MOU महाराष्ट्र ने किया है, 12 MOU साइन किए हैं और 12 डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के साथ, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया का बढ़ सके, और इसकी लागत है 16,000 crore। ये एक प्रोग्राम है महाराष्ट्र का जिसका नाम है मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव। इसके तहत ये MOU साइन हुए हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में ये MOU साइन हुए हैं, एनर्जी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में। सो द MOU वॉज साइंड बाय द ग्लोबल कंपनीज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, कार, स्पेयर पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, केमिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। क्लियर है? तो इसके अंदर ये MOU साइन हुए हैं ग्लोबल कंपनीज के साथ, ताकि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सके। क्लियर है? सो आपसे इसकी वर्थ भी पूछ सकते हैं, इसकी वर्थ है 16,000 crore और स्टेट है महाराष्ट्र। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। इंडिया एंड चाइना गॉट एंगेज इनटू अ वायलेंट फेस ऑफ ऑन 15 June नाइट when the troops of both the armies fired at each other in which valley in Ladakh. So, आप सभी को पता है कि 20 soldiers है जो sacrifice हुए थे इस dispute में, और ये incident हुआ था गलवान वैली के ऊपर। Clear students? So, हमारी तरफ से सबसे पहला attack नहीं हुआ था, चाइना के जो soldiers है उन्होंने हम पे पहला attack किया था। So, ये बहुत ही, ये कहते हैं ना कि disturbing news है यार। और चाइना का जो है ये ड्यूअल नेचर बताता है, आपको पता है कि दोगला नेचर है चाइना का, बोलता क्या है और करता क्या है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच पेमेंट बैंक लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो कौन सी पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। क्या होगा इसके अंदर, आइए देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSME। द अकाउंट विल इनेबल द MSME एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक कैशलेस पेमेंट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना है, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को कम से कम किया जा सके, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज है एम्प्लॉयज़ की उनको सिक्योर किया जा सके। सो इम्पॉर्टेंट है सुरक्षा सैलरी अकाउंट, नाम याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है MSME के लिए। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। इंडिया हैज़ प्लेज टू कंस्ट्रक्ट ₹2.33 crore सैनिटाइजेशन फैसिलिटी एट दी पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन विच कंट्री। बहुत ईजी है, नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल है। सो भारत 2.33 crore पैसा देगी फॉर दी सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या मॉडिफिकेशन है या रिवैम्प का प्रोसेस है, कि जो भी कुछ भी
कच्चा जो चीज है उसको वापस पक्का बनाना, मॉडिफाई करना, सो इसके लिए 2.33 करोड़ देगी। स्पेशली ये जो फंड होगा वो सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए होगा। इट विल इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द होली श्राइन फॉर द पिलग्रिम्स, और नेपाल में सिचुएटेड है ये टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट भी है, विच कंट्री हैंड्स ओवर फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 वेंटिलेटर्स टू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। सो कौन सी कंट्री ने फर्स्ट शिपमेंट किया है 100 वेंटिलेटर्स का इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी को? सो ये है यूएसए। यूएसए ने हैंड ओवर किए 100 वेंटिलेटर्स टू इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी। अच्छा, इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी है क्या? इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी एक फिलान्थ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मतलब जो पुअर लोग हैं उनकी मदद करना, उनको नेसेसिटी आइटम्स प्रोवाइड कराना, क्लियर है, जो भी माइग्रेशंस माइग्रेंट वर्कर्स है उनकी मदद करना। सो इनको ये 100 वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करेंगे, यूएसए प्रोवाइड कराएगा, और जिसकी वैल्यू है $1.2 मिलियन। एज अ पार्ट ऑफ प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स ऑफर ऑफ असिस्टेंट टू न्यू दिल्ली इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 पेंडेमिक, US Ambassador to India Kenneth Jester handed over the first shipment of 100 ventilators to Indian Red Cross Society, जिसके सेक्रेटरी जनरल है आर के जे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी हैव, हु लॉन्च द ई ऑफिस एप्लीकेशन इन ओवर 500 CGST एंड कस्टम ऑफिस अक्रॉस इंडिया ऑन 15 जून एट न्यू दिल्ली। सो किसने लॉन्च किया है ई ऑफिस एप्लीकेशन ओवर 500 CGST सेंट्रल ग्लोबल सर्विस टैक्स एंड कस्टम ऑफिस अक्रॉस इंडिया ऑन 15 जून एट न्यू दिल्ली। सो किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है एम अजीत कुमार इज द करेक्ट आंसर। आइए थोड़ा देख लेते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज टैक्सेस एंड कस्टम्स दैट इज CBISE, जिसके चेयरमैन है एम अजीत कुमार, जिन्होंने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है ओवर 500 CGST एंड डिफरेंट कस्टम ऑफिस अक्रॉस इंडिया। अच्छा, मेन मिशन क्या है? जो भी ऑफिस के अंदर जो ऑफिस वर्क होता है उसको क्या पेपरलेस बनाना, जो भी ट्रांजेक्शन है और जो भी ऑफिस वर्क है पेपर वर्क है उसे कम से कम करना, पेपरलेस काम करना, जो भी आपके जो ट्रांजेक्शन है उन्हें डिजिटली गवर्न करना। सो ये सब जो ऑफिस के जो डे बाय डे वर्क होता है उसको क्या कम पूरा का पूरा डिजिटाइजेशन करना, जिसके अंदर जो पेपर वर्क है उसे रिड्यूस कर सके। सो ई ऑफिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ई ऑफिस को NIC ने डेवलप किया है एंड सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। सो सपोर्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट है, द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर स्टेटेड ऑन June 16, 2020 दैट द डिसीजन टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल बी टेकन इन द कमिंग मंथ। हु इज करंट यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर? सो करंट सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो इन्होंने अपना बयान दिया है कि 16 जनवरी से ये सोचेंगे कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम किया जा सके, लेकिन पूरी तरीके से इसको नहीं कह सकते क्योंकि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, जो भी COVID-19 का जो भी एटमॉस्फेयर है लोगों पे भी डिपेंड करेगा, कितना जो वायरस है वो बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हम क्या कर दें, रिज्यूम कर दें वापस से। क्लियर है, और हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट भी है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन पीएम केयर्स फंड फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। सो कौन सी कंपनी को एज अ ऑडिटर्स अपॉइंट किया गया है फॉर पीएम केयर फंड, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि पीएम केयर का फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन। सो कौन सी कंपनी को एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया गया है पीएम केयर फंड के लिए फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए? सो ये है हमारी कंपनी
SAR से एंड एसोसिएट्स, SAR एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया गया है एज ऑडिटर्स फॉर 3 ईयर्स। ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड चार्टेड अकाउंटेंट एज इट्स ऑडिटर्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो दिल्ली बेस्ड एक चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी है जो कि ऑडिटर का रोल करेगी पीएम केयर फंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। व्हाट इज इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसने दिया है। सो इसको कंपाइल किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इंडिया की रैंक क्या है और कौन सी जो कंट्री है वो टॉप कर रही है, क्लियर है। सो इंडिया की रैंक है इसमें 43rd, और पिछले कुछ सालों से इंडिया की रैंक डिग्रेड होती जा रही है। इसका कारण क्या है, कारण भी देख लेते हैं। द इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल मेंशन्ड ऑन जून 16 दैट द कंटिन्यूड लो रैंकिंग इज ड्यू टू द ट्रेडिशनल वीकनेस सच एज इनसफिशिएंट एजुकेशन इन्वेस्टमेंट एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल वीकनेस है, मतलब बहुत सालों से जो ट्रेडिशन चल रहा है इंडिया का कि एजुकेशन के मामले में बहुत इनसफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करा रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हो तो रहा है लेकिन उसकी जो रेट है वो बहुत कम है। सो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के लिए। सो आपको मुझे बताना है कि फर्स्ट रैंक पे कौन है। सो कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट रैंक के ऊपर है, सो इसका आंसर दीजिए कॉमेंट सेक्शन पे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी हैव Who will inaugurate composite regional center in Ranchi on 17 April through video conferencing amid COVID-19 pandemic? So, कौन से minister inaugurate करेंगे composite regional center in Ranchi through video conferencing is COVID-19 pandemic? So, ये हमारे social justice and empowerment minister that is Dr. Thavarchand Gehlot इसे inaugurate करेंगे CRC that is composite regional center via video conferencing। और अगर इस सेंटर की बात करें, इट इज़ लोकेटेड एट नमकुन ब्लॉक ऑफिस खिजरी रांची। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपको वो याद करने के लिए। अच्छा, इस जो कंपोजिट रीजनल सेंटर के अंदर क्या होगा, क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये देख लीजिए। इट इज़ इट प्रोवाइड्स रिहेबिलेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग फिजिकल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक्स, स्पेशल एजुकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट। जो भी हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी से जो पर्सन जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, रिहेबिलेशन सेंटर्स होंगे, मेडिटेशन सेंटर्स होंगे, थेरेपीज होगी, स्पीच थेरेपी, ऑडियो थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे जो भी मतलब जो डिप्रेशन में है, जो मेंटली अनस्टेबल है उनको गाइड करेंगे, क्लियर है, उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। सो इन सब के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेगा कंपोजिट रीजनल सेंटर, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, झारखंड रांची। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च्ड मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। सो EPFO ने हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी लॉन्च की है। सो आपको EPFO का हेडक्वार्टर बताना है। सो EPFO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अच्छा, क्या जरूरत पड़ गई कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में, मतलब क्या जरूरत पड़ गई ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अभी क्या COVID-19 का जो माहौल था, सो इसके अंदर क्या कुछ ऑफिसेज जैसे अगर रेड जोन में आ जाते थे तो वो ऑफिसेज क्या बंद थे, और कुछ कई दूसरे रीजन में या इनके जो रीजनल ऑफिस है वो दूसरे खुले थे, तो जहाँ पे जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही थी तो उनको बहुत ट्रबल हो रही थी अपनी जो पेंशन है वो विड्रॉल कराना, प्रोविडेंट फंड के बारे में जानना। तो इन सब जो फैसिलिटीज़ को स्मूथ प्रोसेस देने के लिए जो बाकी जो रीजनल ऑफिस है जो रन कर रहे थे, जो दूसरी जगह पर लोकेट थे, उन पर ये जो एक्वायरीज है वो रिजॉल्व होगी। मतलब जिस रीजन के अंदर अगर वो सेंटर फंक्शन नहीं कर रहा है या ऑपरेट नहीं कर रहा है COVID-19 के चलते हुए, सो जो दूसरे फंक्शन है वो अगर फंक्शन कर रहे हैं दूसरी जगह पे, सो वो क्वेरीज, उस रीजन की क्वेरीज वो दूसरे रीजनल ऑफिस रिजॉल्व करेंगे, क्लियर है। दिस न्यू फैसिलिटी हैज रिप्लेस द ओल्ड यूजिंग सिस्टम ऑफ जियोग्राफिक
jurisdiction for claim process. On current pandemic crisis COVID-19, multi-location claim facility tends to improve service delivery and ensure social security for its more than 6 crore subscribers. क्योंकि EPFO के 6 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी. सो जो डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज है उसमें क्वेरीज रिजॉल्व हो गया. EPFO का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली. चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स. हु वॉन द बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 एंड अ ग्रांट ऑफ 40,000 यूरोज ऑफ द प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ DDS वुमेन in rehabilitation of degraded lands and to promote biodiversity. So, कौन सी सोसाइटी या फाउंडेशन है जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 जीता है? साथ में 40,000 यूरो का भी कैश प्राइज है इन्होंने लिया है फ्रॉम द प्रिंस एल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन. अच्छा, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका कि जो भी जो डिग्रेडेड लैंड है उसके ऊपर वापस कैसे रिहेबिलेट किया जा सके, रिहेबिलेशन प्रोवाइड कराया जा सके, जो ज़मीनें बंजर हो चुकी है उसको वापस कैसे फर्टाइल किया जा सके, या फिर जो फर्टाइल लैंड है उसको कैसे मेंटेन करा जा सके कि कल्टीवेशन और जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रॉपर फंक्शन करे, प्रॉपर ऑपरेट करे, जो भी जो अपन कल्टीवेट कर रहे हैं जो भी सीड्स है वो अच्छे से ग्रोथ हो सके. मेन मोटो यही है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, कंजर्व करना. सो द डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने ये बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 जीता है. एक हैदराबाद बेस्ड बायोडाइवर्सिटी सोसाइटी है जिसने ये प्राइज जीता है. क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू ऑल ऑफ यू. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे.